किसान भाई नमस्कार। मैं मोहम्मद समीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समीम। तो किसान भाई, आज हम चर्चा करेंगे अदरक की खेती। जो किसान भाई अदरक की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें कैसे फायदा होगा और अदरक का क्या उपयोग है, उसकी बिक्री कैसे होगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो सोचते हैं कि कौन सी खेती करूं जिससे हमें बहुत सारा फायदा हो, यानी हमें पैसा बहुत सारा मिले। बहुत सारे किसान के पास खेती है, साधन है, सब कुछ होते हुए वो सोच नहीं पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन सी खेती करूं। तो किसान भाई, आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप बहुत सारा फायदा पा सकते हैं अगर आप ये खेती करेंगे तो। क्योंकि अपने देश के कई प्रदेशों में ये खेती की जाती है और इससे बहुत सारे किसान लोग अच्छा फायदा उठा रहे हैं, और ये खेती करके आप भी अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो जो किसान भाई अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किए हो, नीचे लाल बटन देख रहे हैं इसे दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का अवश्य क्लिक कर लें। किसान भाई, ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उन लोग को भी अदरक की खेती के बारे में पता चले। वीडियो पूरी देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। किसान भाई, मई का महीना आ रहा है तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को याद दिला दूं कि अदरक की खेती करने का समय आ रहा है। जो किसान भाई करना चाहते हैं वो थोड़ा सा जानकारी ले लें। किसान भाई, जैसा कि आपको पता है, अदरक एक बहुत महत्वपूर्ण मसाला है। ये अदरक औषध, मिष्ठान और मसाले में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इसकी खपत अपने देश में बहुत ज्यादा है और ये 12 मास यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। और आप देखते होंगे चाय से लेके मिठाई, दवाई और कोई भी मसाले में ये प्रयोग किया ही जाता है। किसान भाई, अदरक एक बहुत ही लाभदायक फसल है। ये अच्छा मुनाफा देके जाती है किसानों को। जो किसान भाई आज तक अदरक की खेती किए हैं उन्हें फायदा ही फायदा हुआ है, नुकसान उन्हें नहीं उठाना पड़ा है। तो अगर किसान भाई आप करना चाहते हैं अदरक की खेती तो आप जरूर कीजिए। मई का महीना आ गया है, 10-15 दिन में आ ही जाएगा। तो किसान भाई, मई का महीना आ रहा है तो आप अदरक की खेती की तैयारी कर लीजिए और अदरक की खेती कीजिए ताकि मानसून आते आते आपकी अदरक जम जाए और थोड़ी सी बड़ी हो जाए। अदरक के जो पेड़ हैं थोड़ा बड़े हो जाए ताकि पानी से कोई नुकसान ना होने पाए। किसान भाई, अदरक की खेती अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा है। ये मई महीने में ज़्यादातर लगाया जाता है और जून में मानसून आ जाता है, तो आते आते एक महीना हो जाता है, मानसून आते आते एक महीना हो जाता है, जिससे इसके पौध थोड़ा बड़े हो जाते हैं और फिर पानी का डर नहीं रहता है। ये मानसून में होता भी है और मानसून से थोड़ा सा डर भी रहता है क्योंकि ज़्यादा पानी होने से ये गल जाता है। जैसा कि खेतों में भरा हो जाएगा पानी का तो ये फसल गल जाती है। इसके लिए इस पर थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इसकी बुआई भी 3-4 किस्म से होती है, एक नाली बना के और एक क्यारी बना के और एक समतल। जैसा आपका खेत हो, जैसे आपकी मिट्टी हो, उस हिसाब से आप खेती कीजिए। आप नाली बना के करेंगे तो ज़्यादा सुविधा होता है क्योंकि इसमें पानी जो भरता है वो नाली द्वारा बाहर हो जाता है और फसल नुकसान होने में बहुत कम चांस रहता है। इसके लिए नाली वाला सिस्टम जो है बहुत सक्सेसफुल माना जाता है। किसान भाई, इस खेती में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और आमदनी भी ज़्यादा है। जैसे कि आप मई में लगा दिए तो ये 9-10 महीने की फसल है, पूरी बारिश ऐसे रहता है, खरपतवार देखते रहिए, हल्का फुल्का खाद वगैरह डालते रहिए, पानी का भराव ना होने पाए ये देखते रहिए, और ठंडे में इसकी खुदाई हो जाती है। किसान भाई, अदरक जो है एक नगदी फसल में आती है। अदरक की खेती ज़्यादातर अपने देश में मई के महीने में की जाती है। अदरक की बुआई जो है मई महीने में की जाती है और मई महीने में इसलिए की जाती है क्योंकि जून तक मानसून आ जाता है। तो जब मानसून आता है तब एक महीना हो चुका रहता है इसकी बुआई का, जिससे इसके पौध जो हैं एक महीने में ऊपर जमीन के ऊपर आ जाते हैं, जिससे बारिश होने पे कोई नुकसान नहीं होता इन पौधों का। और
क्योंकि अगर बारिश में बोएंगे तो ये पौधे गल जाएंगे। जो पट बुआई की जाती है उसमें ज़्यादा चांस रहता है पानी इकट्ठा होने का, जो अदरक के पौध में समाता है, और अदरक नुकसान होने का डर रहता है और ज़्यादातर हो भी जाता है जहाँ पानी रुकता है। जिस खेत में नहीं रुकता पानी वहाँ कोई डर नहीं है। और अगर बलुई मिट्टी है तो ज़्यादा बेहतर होता है इस खेती के लिए। अदरक का भी नुकसान नहीं होता अदरक की खेती में, क्योंकि ये कम से कम 20 रुपये और ज़्यादा ज़्यादा 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता ही बिकता है। तो आपको 20 से 100 के बीच में जो भी रेट मिलेगा उस रेट से अच्छा फायदा होएगा। तो अदरक की खेती जो है नगदी फसल में बहुत अच्छी मानी जाती है। देखिए, अदरक या कोई भी फसल आजकल किसानों को ज़्यादातर मार्केट में नहीं ले जाना पड़ता है। मार्केट में वही लोग लेके जाते हैं जो फुटकर बेचते हैं। जो होलसेलर किसान हैं, जो बड़े मात्रा पे खेती करते हैं, उनके खेतों में डायरेक्ट व्यापारी आते हैं और फसल को खरीद लेते हैं और खेत में ही बिक्री हो जाती है, जिससे किसान को भी आसान हो जाता है और व्यापारी को भी आसान हो जाता है। तो आजकल फसल की बिक्री के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। किसान भाई, आपकी फसल तैयार है, आप व्यापारी से कांटेक्ट कीजिए और उन्हें बता दीजिए, आपके खेत में आएंगे और आपके खेत से आपकी फसल लेके चले जाएंगे और आपको आपके खेत में ही पैसा दे देंगे। आजकल तो व्यापारी खेत में ही आकर आपकी फसल खरीद के ले लेते हैं, आपको कहीं मार्केट में भी नहीं जाना पड़ेगा इसे बेचने के लिए। तो किसान भाई, ये मेरे ख्याल से अदरक की खेती बहुत ही उत्तम है उन किसानों के लिए जो कम लागत में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। नहीं तो जैसा रेट रहेगा वैसा मिलेगा, 60, 70, 50, 20, 30, कुछ भी जो रेट रहेगा वो हिसाब से मिलेगा, और कभी कभी 80, 90, 100 में बिकता है, इसलिए अच्छा फायदा हो जाता है। जहाँ तक है अदरक की खेती में ज़्यादातर लोग को फायदा ही हुआ, आज तक नुकसान नहीं हुआ है। अदरक की खेती में नुकसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा रोग नहीं लगता, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो लगते हैं, उसकी देखभाल करना पड़ेगा। ज़्यादा खतरा इसमें पानी से रहता है, अगर पानी का भराव ना होने पाए खेत में तो आपकी फसल सक्सेस रहती है। अदरक की खेती ज़्यादातर लाइनदार किया जाता है क्योंकि इसमें पानी भरने का डर रहता है, और इसको क्यारी बना के भी कर सकते हो, समतल भी बो सकते हो, लेकिन जो नाली बना के नाली के ऊपर बोते हैं ये ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। किसान भाई, इसमें आमदनी भी अच्छी रहती है, पैदावार अच्छी होती है इसके लिए, और जो समतल रहती है उसमें पैदावार कम होता है और गलने का सड़ने का ज़्यादा डर रहता है, इसके लिए नाली वाला जो ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। किसान भाई, ये लगभग 1 एकड़ में 10 से 12 क्विंटल बीज लगता है इसमें, जैसा आपका बीज हो छोटा बड़ा ऐसा लगता है। तो ज़्यादा बीज भी नहीं लगता है, और ज़्यादा ज़्यादा बीज भी नहीं लगता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। अगर आप करना चाहें तो इस खेती को करके आप ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, अगर आप अदरक की खेती के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, मैं किसान HP चौरसिया जी से मिलके अदरक की खेती की पूरी विधि बताने की कोशिश करूंगा। किसान भाई, वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके जाना और एक कमेंट कर देना, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देना जरूर, ताकि उनको भी अदरक की खेती के बारे में जानकारी मिल सके। किसान भाई, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि हमारे चैनल पे एक से एक खेती के बारे में जानकारी दी जाती है। आपको जिस खेती के बारे में जानकारी चाहिए आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस खेती के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा किसान HP चौरसिया जी के साथ मिलकर। तो किसान भाई, इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।